अस्सलामुअलैकुम तो वेलकम बैक टू न्यू नदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सारे खैर खैर से होंगे। तो यार आज का सीन, और आज का सीन टू पहले छोड़ो, मौसम चेक करो यार। ओए होए होए होए, हवाएं हवाएं, ये चेक करो, हवा चल रही है। आपको कैमरे में महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन जो अभी हवा चल रही है ना, लेवल की चल रही है। तो यार आज का सीन तो जैसे अभी अभी उठो, मुँह हाथ धोए, घर वाले तो सारे सो रहे हैं, तो अभी जाना है कई दिन काम से जा रहा हूँ। और फिर बुलाएंगे सारों को, क्रिकेट वगैरह थोड़ी सी खेलेंगे यार, काफ़ी देर हो गई क्रिकेट नहीं खेली। तो बस आज का ये सीन है, क्रिकेट खेलेंगे। मैं काफ़ी कम ही लोग मैं दिखाता हूँ क्रिकेट, अब तो छोड़ ही दिया क्रिकेट यार। आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि ना, हमने ना प्रैंक किया था मम्मा के साथ, स्मोकिंग प्रैंक। तो ना अब वो प्रैंक अपलोड नहीं हो रहा, अब ये तो मेरा मसला बन गया है। दो दिन से वो प्रैंक पड़ा हुआ, अपलोड नहीं हो रहा। तो मैं प्रैंक किया तो अब अपलोड नहीं हो रहा, तो देखते हैं उसका कैसे इंप्रूवमेंट है। अब शायद कोई और प्रैंक कर देते हैं, शायद कोई यूट्यूब की तरफ से मसला आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। नया दिन नया व्लॉग, और यहाँ पे जी 6:30 बज चुके हैं, और आज मैं खाना बना रही हूँ बड़ा लेट, क्योंकि मैं 5 बजे बना लेती हूँ खाना, लेकिन बस मैंने मशीन लगाई हुई, कपड़े धो रही हूँ मैं, अगर मैंने इसलिए ना आज। और आज हमने क्या बनाया है खाने में? आज हम बना रहे हैं जी दाल चावल, है ना हसन? क्या पका रहे हैं हम खाने में? हाँ, यहाँ पे साइकिल चला रहा है हसन, है ना हसन? तो जी आज मैंने लगाई हुई जी मशीन, और कपड़े वगैरह मैं धोने लगी हूँ, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए थे कपड़े नहीं धो, दो दिन से फिर सर्दी हो गई थी हमारे यहाँ पे ना। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी सर्दी कम होती है तो मशीन लगाती हूँ मैं। तो अब मैंने कहा चले मगरिब के बाद ना पानी आ जाता है हमारा, ज़रा गर्म पानी आता है ना, तो इसलिए मैंने मशीन लगाई है। और यहाँ पे मैं सोफ़े वगैरह साफ़ करने लगी हूँ, सारा घर मेरा कमरा मेरा फैला हुआ है। और यहाँ पीछे जी सूख रहे हैं मेरे कपड़े, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास छत नहीं है, तो आप लोगों को पता है कि छत नहीं है, तो इसलिए हम कपड़े स्पिनर करके यहाँ पे घर में डाल देते हैं। और यहाँ पीछे मैंने चादर डाली हुई है, पर्दा इसका मैंने धोया है, पीछे हमने जी चादर वगैरह डाली हुई है इसकी। और हसन आपने खाना खाना, हसन को भूख लग रही है आपको? भूख तो लग रही है, भूख लग रही है हसन को ना, भूख लग रही है, भूख भूख लग रही है। तो डर गया हसन को ना, जब ऐज अब्दुल्ला घर में नहीं होते ना, तो हसन को डर बहुत लगता है, जरा सी भी कहीं से आहट होती है ना तो बस डर जाता है एकदम से ना। तो जी यहाँ पे मैंने करनी है कमरे की सफाई, कमरा देखें सारा फैला हुआ है मेरा। और यहाँ मैंने सोफे के छाड़े वगैरह सब उतार लिए, और ये मैं करने लगी हूँ जो सोफ़ा साफ, कपड़ा लिया है मगर चले इस बहाने में सफाई वगैरह कर लेती हूँ। सोफ़े के छाड़े वगैरह उतार के धो दिए हैं, मशीन में डाल दिए हैं, तुमने कहा चले ज़रा सोफ़े वगैरह साफ़ कर लेते हैं, बड़े गंदे हो गए। और यहाँ पर जी हमारा बेड भी बड़ा गंदा हो रहा है, बेड की सारी ना पॉलिश ख़राब हो गई है हमारी। ग्रीन कलर का नहीं बेड होता बेटा, नहीं बेड ब्राउन कलर का ही होता है। इस पे गोल्डन पॉलिश करेंगे लाके ना, ग्रीन सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ग्रीन अच्छा होता है। सोच रही हूँ रमजान से पहले पहले घर का कलर हो जाए, बड़ी दीवारें हमारी सारी गंदी हो गई हैं। हैं चले यहाँ करते हैं अलमारी साफ। अच्छा ऐसे पता नहीं क्या बीच में क्या फुम इसके ना लग गई है ना, वो लग जाती है, क्या कहते हैं इसको? मैं बताऊं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मैं बताऊं क्या कहते हैं, चिली बोलते हैं? नहीं ऐसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा इसको, जिसको पता हो कमेंट से बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं जी। लकड़ी तो ये बड़ी अच्छी वाली लकड़ी है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ,
यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसके बीच बीच में ना वो लग गई, क्या कहते हैं, सुर उल्ली लग जाती है, क्या कहते हैं, अल्लाह जाने इसको, नहीं फंगस 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 लग गई है, फंगस ना। समझ आया? हाँ अब समझ में आया, फंगस लग गई है इसको ना। मैंने कहा चले हाथ के हाथ ना, इतने मशीन में कपड़े डाले हुए मैंने, मैंने कहा चले हाथ के हाथ जरा कूलर वगैरह साफ कर दें, घर की चीज़ें साफ कर दें। चलो हसन आओ, मशीन बंद हो गई है मशीन ना, क्या दिखाना, बस धुल गए कपड़े, थोड़े से रह गए बस। हाँ अच्छा, और यहाँ जी मेरे कपड़े स्पिनर हो गए। हटो हसन, चलो यहाँ तो हो गए कपड़े स्पिनर। इसको पकड़ो नहीं, अभी मैं इसे कुर्सी पर डालूंगी फैलाने के लिए, दाल रखी हुई चूल्हे पे, दाल देख के आऊँ मैं, दाल पक रही है यहाँ पे, साबुत मसर बन रहा है, साबुत मसर, यहाँ जी हमारी दाल तैयार हो रही है। कहाँ लेके, इधर साइकिल को वहाँ लेके जाओ ना, आगे लेके जाओ, मैं तो इधर से आ जाऊंगी, आप साइकिल को वहां लेके जाओ। तुम क्या मोटी हो बहुत ज्यादा? हाँ मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ ना, निकल के यहाँ नहीं निकला जाता, मुझे कह रहे कि आप बहुत ज्यादा मोटी हो, कह रहा आप बहुत ज्यादा मोटी हो, आपसे निकला नहीं जा रहा वहां से है। क्या कह रहे हो सना, ऐसे पकड़ा करूँ कैमरा, ऐसे करा करूँ, ऐसे करा करूँ, मैं नजर आ रही हूँ, बस मैं ऐसे पकड़ती हूँ, आप सही पकड़ा है मैंने कैमरा। हाँ, चलो ठीक है जी, मैंने चावल भिगोए में, दाल मेरी हो गई है, दाल को मैंने लगाने की घोटना, और जी फटाफट दाल पकाते हैं, चावल बनाते हैं। हसन को लगी जी बड़ी भूख, भूख लगी है ना आपको? भूख तो दिमाग है, भूख लगी है तो। हाँ जी बच्चे को मेरी लगी हुई बहुत ज़्यादा तेज भूख, और मुझे बहुत भूख लग रही है क्योंकि मैंने सुबह का सिर्फ नाश्ता किया हुआ है, तो बस ना अभी मैं भी जा रही हूँ चावल पकाने के लिए, बच्चे आने लगे, अब्दुल्ला भी आने लगा है, और माशाल्लाह अब्दुल्ला के जी पेपर फाइनल ख़त्म हो गए, इंशाल्लाह ताला उसका जो भी इसका रिजल्ट है, आप सब लोगों ने दुआएं करनी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को पास कर दे, अल्लाह ताला मेरे बच्चे को कामयाब कर दे। तो जी चलें चलते हैं किचन में, पहले मैंने डालने हैं कपड़े स्पिनर करने के लिए, और फिर मैंने पकाने हैं जी चावल, दोनों काम साथ साथ बस में कर रही हूँ। पढ़ना था आज, आपने पढ़ा नहीं, और चले आप किताबें निकालो अपनी, चलो ठीक है। हाँ जी यहाँ पे हमने चावल वगैरह बना लिए, ये हमारी सलाद आ गई है, और ये हमारे दाल चावल आ गए, और यहाँ पे अब्दुल्ला भी बैठ के खा रहा है, हसन भी आ गया है ना हसन, मैंने कहा चलें कपड़े वगैरह पहले बाद में धोएंगे, बच्चों को जी लग रही है भूख, खाना वगैरह खाते हैं। अभी हो रही है शाह की अजान है, खाना वगैरह खा लें, दाल चावल हमने बनाए हैं आज, खाना वगैरह खा के फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो वेलकम बैक टू न्यू नेदर व्लॉग, उम्मीद करता हूँ सर खैर कैसे होंगे। तो यार आज का सीन, और आज का सीन टू पहले छोड़ो, मौसम चेक करो यार, ओए होए होए हवाएं हवाएं, ये चेक करो हवा चल रही है, आपको कैमरे में महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन जो अभी हवा चल रही है ना लेवल की चल रही है। तो यार आज का सीन तो जैसे अभी अभी उठो मुँह हाथ धोए, घर वाले तो सारे सो रहे हैं, तो अभी जाना है कई देर काम से जा रहा हूँ, और फिर बुलाएंगे सारों को, क्रिकेट वगैरह थोड़ी सी खेलेंगे यार, काफ़ी देर हो गई क्रिकेट नहीं खेली, तो बस आज का ये सीन है क्रिकेट खेलेंगे। मैं काफ़ी कम भी लोग मैं दिखाता हूँ क्रिकेट, आप तो छोड़ ही दिया क्रिकेट यार। आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि ना हमने ना प्रैंक किया था मम्मा के, स्मोकिंग प्रैंक, तो ना अब वो प्रैंक अपलोड नहीं हो रहा, अब ये तो मेरा मसला बन गया है, दो दिन से वो प्रैंक पड़ा हुआ अपलोड नहीं हो रहा, तो मैं प्रैंक किया तो अब अपलोड नहीं हो रहा, तो देखते हैं उसका कैसे इंक्रीज होना है, अब शायद कोई और प्रैंक कर देते हैं, शायद यूट्यूब की तरफ से मसला आ रहा है।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। नया दिन नया व्लॉग, और यहाँ पे जी 6:30 बज चुके हैं और आज मैं खाना बना रही हूँ बड़ा लेट, क्योंकि मैं 5 बजे बना लेती हूँ खाना, लेकिन बस मैंने मशीन लगाई हुई, कपड़े धो रही हूँ मैं, और मैंने इसलिए ना आज। और आज हमने क्या बनाया है खाने में, आज हम बना रहे हैं जी दाल चावल, है ना हसन, क्या पका रहे हैं हम खाने में। हाँ हाँ यहाँ पे साइकिल चला रहा है हसन, है ना हसन। तो जी आज मैंने लगाई हुई जी मशीन, और कपड़े वगैरह मैं धोने लगी हूँ, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए थे कपड़े नहीं, तो 2 दिन से फिर सर्दी हो गई थी हमारे यहाँ पे ना, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी सर्दी कम होती है तो मशीन लगाती हूँ मैं। तो अब मैंने कहा चले मगरिब के बाद ना पानी आ जाता है हमारा, ज़रा गर्म पानी आता है ना, तो इसलिए मैंने मशीन लगाई है। और यहाँ पे मैं सोफ़े वगैरह साफ़ करने लगी हूँ, सारा घर मेरा कमरा मेरा फैला हुआ है, और यहाँ पीछे जी सूख रहे हैं मेरे कपड़े, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास छत नहीं है, तो आप लोगों को पता है कि छत नहीं है, तो इसलिए हम कपड़े स्पिनर करके यहाँ पे घर में डाल देते हैं। और यहाँ पीछे मैंने चादर डाली हुई है, पर्दा इसका मैंने धोया है, पीछे हमने जी चादर वगैरह डाली हुई है इसकी। और हसन आपने खाना खाना, हसन को भूख लग रही है आपको, आप लोग भूख तो लग रही भूख लग रही है हसन को ना, भूख लग रही है, भूख भूख लग रही है। मैं तो डर गया हसन को ना, जब ऐज़ अब्दुल्ला घर में नहीं होते ना, तो हसन को डर बहुत लगता है, जरा सी भी कहीं से आहट होती है ना तो बस डर जाता है एकदम से ना। तो जी यहाँ पे मैंने करनी है कमरे की सफाई, कमरा देखें सारा फैला हुआ है मेरा, और यहाँ मैंने सोफ़े के छाड़े वगैरह सब उतार लिए हैं, और ये मैं करने लगी हूँ जो सोफ़ा साफ़, कपड़ा लिया है मगर चले इस बहाने में सफाई वगैरह कर लेती हूँ, सोफ़े के छाड़े वगैरह उतार के धो दिए, मशीन में डाल दिए हैं, तो हमने कहा चलें ज़रा सोफ़े वगैरह साफ़ कर लेते हैं, बड़े गंदे हो गए। और यहाँ पर जी हमारा बेड भी बड़ा गंदा हो रहा है, बेड की सारी ना पॉलिश ख़राब हो गई है हमारी। ग्रीन कलर का बेड करूँ, ग्रीन कलर का नहीं बेड होता बेटा, नहीं बेड ब्राउन कलर का ही होता है। इस पे गोल्डन पॉलिश करेंगे लाके ना, ग्रीन अच्छा होता है। सोच रही हूँ रमजान से पहले पहले घर का कलर हो जाए, बड़ी दीवारें हमारी सारी गंदी हो गई हैं। गंदी चलिए यहाँ करते हैं अलमारी साफ। अच्छा ऐसे पता नहीं क्या बीच में क्या फुम्मस के ना लग गई है ना, वो लग जाती है, क्या कहते हैं इसको, मैं बताऊं पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मैं बताऊं क्या करते हैं, चिली बोलते हैं नहीं इसे, क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा इसको, जिसको पता हो कमेंट से बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं जी। लकड़ी तो ये बड़ी अच्छी वाली लकड़ी है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसके बीच बीच में ना वो लग गई, क्या कहते हैं सुरु उल्ली लग जाती है, क्या कहते हैं अल्लाह जाने इसको, वो उल्ली बोलते हैं नहीं उल्ली। फंगस 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 लग गई है फंगस ना, समझ आया? हाँ अब समझ में आया, फंगस लग गई है इसको ना। मैं चले हाथ के हाथ ना, इतने मशीन में कपड़े डाले हुए मैंने, मगर चले इतने हाथ के हाथ जरा कूलर वगैरह साफ़ कर दें, घर की चीज़ें साफ़ कर दें। चलो हसन आओ, मशीन बंद हो गई है मशीन ना, क्या दिखाना, बस धुल गए कपड़े थोड़े से रह गए, धुल गए हाँ। और यहाँ जी मैंने कपड़े स्पिनर हो गए, हटो हसन, चलो यहाँ तो हो गए कपड़े स्पिनर।
इसको पकड़ो नहीं, अभी मैं इसे कुर्सी पर डालूंगी फैलाने के लिए। दाल रखी हुई चूल्हे पे, दाल देख के आऊँ मैं। दाल पक रही है यहाँ पे, साबुत मसर बन रहा है, साबुत मसर। यहाँ जी हमारी दाल तैयार हो रही है। कहाँ लेके, इधर साइकिल को वहाँ लेके जाओ ना, आगे लेके जाओ। मैं तो इधर से आ जाऊंगी, आप साइकिल को वहां लेके जाओ। तुम क्या मोटी हो बहुत ज्यादा? हाँ मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ ना, निकल के आ, नहीं निकला जाता। मुझे कह रहे कि आप बहुत ज्यादा मोटी हो, कह रहा आप बहुत ज्यादा मोटी हो, आपसे निकला नहीं जा रहा वहां से। हैं क्या कह रहा सर ना, ऐसे पकड़ा करूँ कैमरा, ऐसे करा करूँ, ऐसे करा करूँ, मैं नजर आ रही हूँ बस, मैं ऐसे पकड़ती हूँ। आप सही पकड़ा है मैंने कैमरा। हाँ, सही पकड़ा। चलो ठीक है जी, मैंने चावल भिगोए में, दाल मेरी हो गई है, दाल को मैंने लगा लेंगी घोटना। और जी फटाफट दाल पकाते हैं, चावल बनाते हैं। हसन को लगी जी बड़ी भूख, भूख लगी है ना आपको? भूख तो लगी है, भूख लगी है। हाँ जी बच्चे को मेरी लगी हुई है बहुत ज़्यादा टेस्ट भूख, और मुझे भी बहुत भूख लग रही है क्योंकि मैंने सुबह का सिर्फ नाश्ता किया हुआ है। तो बस ना अभी मैं भी जा रही हूँ चावल पकाने के लिए, बच्चे आने लगे, अब्दुल्ला भी आने लगा है। और माशाल्लाह अब्दुल्ला के जी पेपर फाइनल ख़त्म हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला उसका जो भी इसका रिजल्ट है, आप सब लोगों ने दुआएं करनी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को पास कर दे, अल्लाह ताला मेरे बच्चे को कामयाब कर दे। तो जी चलें चलते हैं किचन में, पहले मैंने डालने हैं कपड़े स्पिनर करने के लिए, और फिर मैंने पकाने हैं जी चावल। दोनों काम साथ साथ बस मैं कर रही हूँ। पढ़ना था आज, आपने पढ़ा नहीं? और चले आप किताबें निकालो अपनी, चलो ठीक है। हाँ जी यहाँ पे हमने चावल वगैरह बना लिए, ये हमारी सलाद आ गई है, और ये हमारे दाल चावल आ गए, और यहाँ पे अब्दुल्ला भी बैठ के खा रहा है, हसन भी आ गया है ना हसन। मैंने कहा चलें कपड़े वगैरह पहले बाद में धोएंगे, बच्चों को जी लग रही है भूख, खाना वगैरह खाते हैं। अभी हो रही है ईशा की अजान है, खाना वगैरह खा लें, दाल चावल हमने बनाए हैं आज। खाना वगैरह खा के फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद।